के बागी प्रत्याशियों को मनाने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल को आज नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बागियों द्वारा प्रभारी मंत्री को स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जब तक सभी लोगों की आपस में बैठकर सहमत नहीं होते तब तक समर्थन नहीं दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री आज वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की प्रीति बिसेन के निवास पर करीब ढाई घंटे तक लगातार बागियों को मनाने का प्रयास करते रहे, परंतु बात नहीं बनी। लंबी बैठक के बाद भी बागियों का प्रतिनिधित्व कर रही प्रीति विषय में मंत्री जी की बात मानने से इनकार कर दिया। छिंदवाड़ा में पार्टियों को मैदान में उतारा, भाजपा के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जिला भाजपा का यह प्रयास है कि किसी तरह से इन बागियों को मनाकर वापस पार्टी में लाया जा सके, अगर वह प्रयास अभी सफल होते दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कमल पटेल ने अभी कहा कि हम इस बारे में कुछ समय बाद खुलासा करेंगे, परंतु प्रीति बिसेन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। छिंदवाड़ा की जो राजनीति है, छिंदवाड़ा की जो स्थिति है, वो सारी स्थिति से उनको अवगत कराया गया है और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को साथ में लेना चाहता हूं। तो यही है कि भाई पहले मैं जितने हमारे मैं जितेन शाह जैसे अगवा होने वाली महिला नहीं हूं। मैं अपनी बात अपने साथियों के साथ दमदारी से रखूंगी, अपने साथियों की बात रख के। और कमल पटेल जी को कहा है मैंने कि सारे लोगों को मैं बुलवा रही हूँ, उनके सारे लोगों के साथ आप बैठिए, उनकी समस्या सुनिए। मैंने बताई आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं सबका पक्ष ले रही हूँ। आप हर कर्मचारियों हमारे जो हर भाइयों से बहनों से चर्चा करो और उनसे चर्चा करने के बाद में आप उस निष्पक्ष न्याय करिए कि क्या ये लोग गलत है क्या सही है। तो सारे कार्यकर्ता हमारे जो हैं इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर उसके बाद में हम कमल भैया को बुला के और आगे की बात करेंगे। जब तक अभी आप लोग सारे लोगों में ये बात रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मेरे घर आए, मेरे सम्माननीय हैं और उनका मेरे घर आना स्वाभाविक है क्योंकि मैं उनकी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। लेकिन अभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक पूरे कार्यकर्ता हमारे ना आ जाएं, हमारी सबकी एक सलाह ना हो जाए, आगे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अभी 5:30 मैं बताऊंगा आपको सबको। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।